हम सबके साथ एक समस्या अक्सर रहती है, वो है सुबह उठने की समस्या। हम सभी को सुबह उठने में बहुत जोर आता है, बहुत आलस आता है, जबकि हमें ये पता है सुबह उठने की आदत सफलता पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हर किसी ने बचपन से यही सुना होगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। दरअसल सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि सुबह के टाइम आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है। सुबह के टाइम आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी रहती है। और स्टूडेंट्स को तो खास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। सुबह के टाइम दिमाग ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाता है, जिस कारण आपको किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी होती है। और सुबह पढ़ने से पढ़ा हुआ भी लंबे समय तक याद रहता है। और स्टूडेंट्स क्यों, हम सभी के लिए सुबह का टाइम बेस्ट होता है, लेकिन समस्या ये है कि हम सुबह उठे कैसे। हमें ये तो पता है कि सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं। सुबह उठने से हमारे अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमें काम करने में मज़ा आता है, लेकिन समस्या ये है कि हम सुबह उठे कैसे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के उठाए खुद ब खुद उठ जाओगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। देखिए, जो सबसे पहली चीज है सुबह जल्दी उठने के लिए, वो है सुबह उठना। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप पहले दिन से ही सुबह 4 बजे उठ जाओ। आप पहले दिन थोड़ा लेट भी उठ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप सुबह उठ जाओ, फिर अगले दिन थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करो, फिर अगले दिन थोड़ा और जल्दी, और इस तरह से आपको सुबह उठने की आदत लग जाएगी। और नहीं तो क्या होगा कि पहले दिन तो आप जोश जोश में सुबह 4 बजे उठ जाओगे, लेकिन अगले दिन फिर आप नहीं उठोगे, क्योंकि जैसे ही आपका जोश ठंडा होगा आप फिर से पुराने रूटीन में वापस आ जाओगे, लेट उठने वाली रूटीन। और जो तरीका मैंने आपको बताया उसमें आपकी आदत लग जाएगी सुबह उठने की, और जब किसी चीज़ की आदत लगती है तो वो फिर जल्दी छूटती नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुबह उठने के लिए, वो है हमारा टाइम टेबल का सही होना। बिना सही टाइम टेबल के हम कभी भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डाल पाएंगे। अगर आप सभी काम के लिए एक टाइम टेबल बना लेते हो तो सुबह जल्दी उठने की आदत आपको अपने आप पड़ जाएगी और आपके सभी काम टाइम पर भी होने लगेंगे। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपने स्कूल और बाकी के एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बना ले और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने डेली लाइफ को फॉलो करें। और जब हम किसी काम को टाइम पे शुरू करते हैं और टाइम पे खत्म करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। इसलिए टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है सुबह जल्दी उठने के लिए। जो तीसरी चीज है सुबह जल्दी उठने के लिए, वो है टाइम पर सोना। क्योंकि जब तक आप टाइम पर सोओगे नहीं तो टाइम पर उठोगे कैसे। आपको नींद भी तो लेनी है 7 से 8 घंटे के, इसलिए आपका टाइम पर सोना बहुत जरूरी है। और अगर अभी तक आपको टाइम पर सोने की आदत नहीं तो आप इस आदत को डाल ले। हो सकता है आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत हो, आपको नींद ही ना आए, लेकिन आप कोशिश करते रहना जल्दी सोने की। और मोबाइल फोन को अपने से दूर रख देना, क्योंकि हो सकता है कि मोबाइल फोन आपको डिस्ट्रैक्ट करे। और एक बार आपको आदत लग जाएगी टाइम पर सोने की तो फिर आप बिना किसी परेशानी के टाइम पर सो जाया करोगे।